आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक वेट लॉस रेसिपी, या फिर आप इसको वेट लॉस नुस्खा भी बोल सकते हैं। ये नुस्खा बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और अगर आप इसको पूरी एहतियात के साथ ट्राई करते हो, 30 दिन अगर आप इसको बना के पी लेते हैं तो 10 किलो तक आपका वेट घट सकता है। इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको अपने आसपास से मिल जाएगी, फिर हो सकता है आपके घर में ही पड़े हो। और जब आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सच में ये वेट लॉस में कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो इनसे बनाना है एक नुस्खा और उसको आपको ट्राई करना है, जो जो भी अपना वेट घटाना चाहते हैं, और फिर देखना कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी अलसी की। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है ये फैटी एसिड्स। और इसके साथ ही स्किन के लिए अलसी बहुत अच्छी होती है। अगर हम अलसी का यूज़ करते हैं, हम इसको वैसे भी खा सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको एक चम्मच भर के आप चबा भी सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में, और सैलड के ऊपर भी आप इसको छिड़क के और सैलड खा सकते हैं। अच्छा, अगर आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तब भी अलसी बहुत अच्छी होती है, आपके बालों को टूटने से बचाती है। तो अलसी में बहुत सारे गुण होते हैं, और जो फैट, अच्छा गुड फैट होता है जिसको बोलते हैं हमारी बॉडी को जो चाहिए, वो अलसी के अंदर होता है। तो अलसी को आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होने वाली है, बल्कि फ़ायदे होने वाले हैं। तो दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करेंगे वो है सौंफ। देखिए, आप सबको पता है सौंफ तासीर में ठंडी होती है, और इसकी जो प्रकृति की बात करें ये अल्कलाइन होती है। तो अल्कलाइन जो फूड, जितने भी अल्कलाइन फूड होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए बॉडी में एसिड ज़्यादा पड़ा हुआ होता है, तो उसको कम करने के लिए हमें अल्कलाइन फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो सौंफ को जब हम यूज़ करेंगे, जैसे कि ठंडी होती है, तो जो भी हम गर्म चीज़ें खा रहे होते हैं, या हमें अपच होती है या कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ को ये दूर करेगी। आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छी है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर देती है, पाचन शक्ति आपकी बढ़ा देती है। तो हम सूप का यूज़ करने वाले हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है अजवाइन। अजवाइन प्रकृति में गर्म होती है, जैसे कि मैंने बताया कि सौंफ का भी यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों का जब हम मिक्स करके लेंगे तो इनका जो बैलेंस बनेगा वो एक तरीके से बराबर हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो अजवाइन लेंगे, और अजवाइन भी अल्कलाइन फूड में आती है, और ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिनको गैस बनती है या फिर कोई भी दिक्कत है पेट से रिलेटेड, तो अजवाइन का यूज़ करेंगे। अजवाइन भी बहुत अच्छा होता है हमारे पेट के लिए। और चौथी चीज़ जो हम लेंगे वो है काली जीरी। इसको काली जीरी बोलते हैं, और ये हमारे पेट के लिए तो अच्छा है ही, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। ये जो काली जीरी है ये बहुत ही तेज़ी से फैट को बर्न करता है। अगर काली जीरी आपको नया लग रहा है, आपने अभी तक इसका यूज़ नहीं किया है, तो आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा मार्केट में, कहीं भी आप पता करेंगे काली जीरी के नाम से, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो लोग वेट घटाना चाहते हैं, फैट को बर्न करना चाहते हैं। तो इसका भी हम अपने नुस्खे में यूज़ करने वाले। अब कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम तवे को गर्म कर लेंगे, और इसके लिए चाहे आप हाई फ्लेम भी कर सकते हैं, पहले तवे को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद आप गैस को धीमी आंच के ऊपर कर देंगे, और हमें जो चारों चीज़ें मैंने आपको बताई थी उनको भूनना है, बहुत धीमी गैस पे 1-2 मिनट के लिए भूनना है, और इसमें किसी भी घी या तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो तवा गर्म हो चुका है, और अब हम जो हमारे इन्ग्रीडियंट्स हैं उनको डालेंगे। 2 चम्मच डालेंगे अलसी के, गैस को धीमा करने के बाद मैं डाल रही हूँ, आप तेज करके मत डाल देना। 2 चम्मच सौंफ के, 2 ही चम्मच हम डालेंगे अजवाइन के, 2 चम्मच डालने हैं आपको काली जीरी के। अब इसे 1-2 मिनट के लिए हम जैसे रोस्ट करते हैं वैसे ही करेंगे, धीरे धीरे से भून लेंगे। तो
तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और धीरे धीरे से चलाती रहूंगी ताकि ये जल ना जाए। ये जैसे कि इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है, बस यही हमें चाहिए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको जार में डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी चूर्ण बना लेंगे इसका। तो ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और इसका मिक्सचर कितना बढ़िया तैयार हुआ है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका वेट लॉस जो नुस्खा है वो तैयार हो चुका है। अब इसको लेना कैसे है वो जान लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे लेना है। जब भी आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, तो सबसे पहले आपको गर्म पानी करना है। कितना करना है? एक गिलास के बराबर हो, मतलब एक गिलास से कुछ ही कम हो, जितना मैंने लिया है इतना लेना है। और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, कभी आपका मुंह जल जाए, और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक गर्म हो। उसमें एक चम्मच ये डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो उसको मिलाने के बाद अच्छे तरीके से, और आप आराम से बैठ के इसको तसल्ली के साथ घूट घूट करके पियेंगे। हल्का सा कड़वा लगेगा, बहुत ही ज्यादा लाइट कड़वा जिसको बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको आदत हो जाएगी, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा आपको। जैसे जैसे आप पीते जाओगे आदत हो जाएगी। तो ये एक गिलास आपको सुबह पीना है, उसके आधे घंटे के बाद आपको कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं है, और आधे से पौने घंटे के बाद ही आप अगर कुछ खाना चाहे, ब्रेकफास्ट करना चाहे, तो उसके बाद ही आप करेंगे। तो ये आपको सुबह इस तरीके से लेना है, और शाम को खाना खाने से पहले जैसे 5 या 6 बजे के आसपास आप इसको इसी तरीके से ले लेंगे। या फिर आपको अगर इस तरीके से घोल के अच्छा नहीं लग रहा तो एक चम्मच आप फंकी की तरह मुँह में डाल लेंगे और ऊपर से आधा ग्लास गर्म पानी पी लेंगे। जैसे चाय की तरह सिप सिप करके गर्म पानी पीते हैं, ऐसे आप गर्म पानी पी लेंगे। तो 2 टाइम आपको इस तरीके से लेना है। अब ये जानते हैं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। इसको सभी लेडीज या जेंट्स ले सकते हैं, बस प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लेना है, वो मत लें। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर बीपी की प्रॉब्लम है, या शुगर की प्रॉब्लम है, या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या जिनकी डिलीवरी 2-3 महीने पहले हो चुकी है, सब लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। और जैसे सर्दियों का मौसम है तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि एहतियात के साथ लेना, एहतियात मतलब जैसे एक शराबी होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी लिया, मैं बीमार हो गया, मुझको दवाई दीजिए। डॉक्टर उसको दवाई देते हैं उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन घर पर जाके वो शराब दोबारा से पीता है, तो क्या उसकी बीमारी ठीक हो पाएगी? तो यही आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप चीनी खाते हैं बहुत ज़्यादा, बाहर की चीज़ें खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, तो उनको तो बंद करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप चीनी भी खाते रहें और वेट लॉस ड्रिंक भी पीते रहें और आप चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हुआ। तो अगर गलतियाँ करेंगे तो वेट लॉस कैसे होगा? तो गलतियों को सुधारिए और इसका इस्तेमाल करिए, और फिर देखिए कितनी जल्दी आपका वेट लॉस होता है। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।